एक समय की बात है, नारद जी हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। हिमगिर गुहा एक अति पावन भय समीप सुर सरी सुहावन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जब आप भगवान की शरण में जाएंगे संसार के सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। एक बात याद रख लो, नोट कर लो इस बात को। कौन सी बात को नोट करोगे? दुनिया के जो बंधन हैं वो हमें दुख देते हैं, वही हमें सुख देते हैं, लेकिन यथार्थ यह है दुनिया का कोई भी बंधन आपको सुख नहीं दे सकता, दुख ही देगा। और हम चाहते हैं सुख मिलता है दुख, तो सुख पाना है तो कहां जाना होगा? जहां कोई बंधन नहीं। आप एक बात बताओ, सोने एक तोते को पकड़ो और तोते को पकड़ के सोने के पिंजरे में बंद कर दो, वो सुखी होगा? बोलो ना, क्यों? अरे सोने का भैया 18,000 रुपया किलो वो चल रहा है, क्या बोलते हो, किलो है कि वो है तोले? अब मुझे क्यों हंस रहे हो? मुझे तो, मैंने तो कभी खरीदा नहीं जो मुझे रेट पता होगा। हंस रहे हो, मतलब इस बात से एक बात तो फाइनल हो गई कि मुझे रेट नहीं पता है, फाइनल हो गई ना। किलो आता है कि तोले आता है कि ग्राम आता है, फाइनल मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता कितने रुपए क्या आता है, वो नहीं कुछ भी आता हो, मतलब इतना महंगा सोना आपने उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा दिया, वो निकम्मा सूखे पेड़ों पर बैठने वाला आदमी उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाए, वो हैप्पी नहीं है? क्यों नहीं हैप्पी? सीधा स्वभाव है मेरे भाई, बंधन तो बंधन है चाहे सोने का हो या कास्ट का। और ये जीव सिर्फ बंधन में जब बनता है तो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, चाहे बंधन अमीरों का हो या बंधन गरीबों का हो, बंधन तो बंधन होता है मेरे भाई, बंधन तो बंधन होता है। हम भी उस तोते की तरह हैं, सोने के पिंजड़े में बंद हैं। बड़ी बड़ी कोठियां क्या है पिंजड़े से कम थोड़ी है। बहू बेटियां बिना बताए चले जाएं तो सब पूछते हैं कहां गई थी, इस जगह से बाहर क्यों गई। माँ बाप अगर थोड़ा लेट आए, पति थोड़ा लेट आए तो पत्नी पूछती है कहाँ थे, हम चूल्हे में और कहाँ है, निकाल ले माते हमें, कहाँ थे कहाँ थे, क्या मतलब है कहाँ थे, काम पे और कहाँ है, इतना लेट कैसे हो गए, इतनी देर क्यों कर दी, हमने जाम लग रहे न्यू कहनी पड़ेगी, चलो गलत तो नहीं कह रहा हूं, सब भाई लोग समझ रहे हैं, जाम लग गया था। ये बंधन ही तो है, जब तक बंधन ना हो आजाद पक्षी खुले आसमान में घूमता है, जहां न तो ये लिमिट है कि इतने दूर तक जाना है। अरे बंधन ये जो सरदहों के बंधन है ये तुम्हारे लिए हैं, पक्षियों के लिए नहीं। वो सरदहों पर रहने वाले जवान सिर्फ इंसानों को रोक सकते हैं, पक्षियों को नहीं। ये जो पक्षी हैं ये आजाद हैं, कहीं भी किसी भी जगह बिना बताए आ जा सकते, लेकिन उसको अगर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो आप और हम बंधन में बंधे हुए सुखी तो हो नहीं सकते, बंधन चाहे अमीर का हो या गरीब का। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कोई बंधन नहीं, और वो जगह है मेरे प्रभु के श्री चरण कमल। उस जगह पर कोई भी बंधन नहीं है, बस एक ही बंधन है, एक बार तू दुनिया को छोड़कर कह दे मैं तेरा हूं। ये बंधन नहीं है, ये निवेदन है, ये बंधन नहीं है, ये बंधन है। ये बंधन करना होगा बंधन तोड़ने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बंधन टूट जाएं, छूट जाएं, तो मेरे प्रभु का बंधन करना शुरू कर दो। मेरे प्रभु से कह दो, मेरे प्रभु तू मेरा है मैं तेरा हूं, इस जहां में मेरा कोई और नहीं। जब भगवान का स्मरण करने लगे देवऋषि नारद तो कहते हैं सुमिरत हरि श्राप गति बाधी,
उनको श्राप लगाए, ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकती। लेकिन जब भगवान का भजन करने लगे तो न जाने कितनी घड़ियां निकल गईं। बंधन तो संसार में है, संसार बनाने वाले की शरण में आने के बाद क्या बंधन कोई क्या करेगा? कोई बंधन तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, बस एक बार मेरे प्रभु की शरण में आ जाओ। तो देवऋषि नारद बैठ गए समाधि में, समाधि लगा ली और ऐसी के सारे बंधन जो थे वो अपने आप दूर हो गए। अब इतना तप करने लगे नारायण का कि मुनिगति देख सुरेश डराना। इंद्र को लगा कि ये देवऋषि नारद मेरी जगह लेना चाहते हैं। आप भक्ति करो, कोई रोके तो रुकना नहीं। अगर तुम भगवान के सच्चे सेवक हो तो, अगर तुम सच्चे इंसान, सेवक बनना बहुत दूर की बात है, अगर तुम इंसान भी हो सच्चे तो दुनिया तुम्हें रोके तो रुकना नहीं कभी। भगवान की भक्ति से, भगवान की कथा से, भगवान के चरित्र से, भगवान के कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना, आगे खड़े हो जाना, हमेशा आगे खड़े हो जाना। जब तुम्हारे धर्म को तुम्हारी जरूरत पड़े सबसे आगे तुम मिलने चाहिए, पता चलेगा मेरे ठाकुर का सेवक है। नारद जी बैठे हैं, अब वो इंद्र ने भेज दिया, काम भेजा, जाओ नारद की ध्यान को भंग कर दो। नारद जी का ध्यान भंग हो, नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए किसको भेजा? रंबादिक सुर नार प्रवीणा। आहा देवियां, भक्ति के पथ में चलोगे तो कोई ना कोई माया आएगी साहब। आ गई माया आ गई, और माया आके वहां पे नृत्य गान करने लगी, कोकिल गीत गाने लगी, नृत्य कर रही है, कामदेव अपना भारी प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन जब वो अपना प्रभाव दिखाने लगे तो जान दो क्या हुआ? काम कला कछु मुनि ही न ब्या, लेकिन जब नहीं कर सका, जब अवसर आए उनका ध्यान भंग नहीं कर सकी। एक बात ध्यान रखना, जब तुम गोविंद की शरण में जाते हो ना, उनके चरण पकड़ ले तो सारा जमाना तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, डरना नहीं। क्योंकि भगवान जिनको अपनाते हैं ना, पहले जमाने को उसके खिलाफ कर देते। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैसी हामी हामे ला रहे हो? हामे हामे मत मिलाना, कुछ समझना अभी। अगर भगवान तुम्हें अपना रहे और जमाने वाले तुम्हारी बुराई कर रहे ना, तो समझना धीरे धीरे वो हो रहा है जो तुझे चाहिए। इतिहास उठा के देख लो, यही हुआ है जो बोल रहा हूं। किसी भी भक्त का इतिहास उठा के देख लो, उस समकक्ष किसी ने उनका पूजन नहीं किया, सबने निंदा की उनकी, और आज सब लोग उनको पूज रहे हैं। हम जैसे तुच्छ, न जाने कितने लोग उनका गीत गा रहे हैं, उनकी दी हुई रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं, राम कथा आप सुन रहे हो। कामदेव जब हार गया, चरणों में गिर पड़ा, त्राई माम कहा तो देवऋषि नारद की समाधि खुली। कौन है भैया? तब कामदेव को देखा, तुम कैसे हैं यहां? अरे कैसे क्या, बस समझो आपकी समाधि ने सबको हिला दिया। सारी बात बताई, और जब सारी बात बताई तो नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। इस तरीके से उन्होंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। कामदेव ने जाके प्रशंसा की कि बहुत श्रेष्ठ हैं, काम और क्रोध दोनों को जीत लिए। अब देवऋषि नारद को लगा कि मैंने दोनों को जीत लिया, किसको? काम को और क्रोध को। अब कोई काम हो जाए अच्छा तो अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा भय सब काजू, उनकी कृपा से ही सब। लेकिन उस चीज का अभिमान हो जाए तो
समझना, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। मैंने देखा है कई लोग दानदाता बहुत दान देते हैं, बड़े बड़े आयोजन करा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो गीत गाते फिरते हैं ना फिर समाज में, मैंने कराया था, मैंने किया था, सोच अगर मेरा ठाकुर तुझे इस लायक नहीं बनाता तो। एक बहुत बड़े पैसे वाले की बेटी की शादी थी, बड़े 5-स्टार होटल में, बड़ी सुंदर जगह में, इतना करोड़ों रुपया लगाकर शादी हो रही थी, भयंकर आंधी आई, उसी समय भयंकर बारिश आई, सब सूपड़ा साफ, चल घर में कर ले, जा छोड़ के आओ ना घर में, मैं कर, चल करोड़ों का कहाँ गया सब, तूने तो अपना अनुमान लग सब कुछ ठीक ही किया था, प्रदर्शन तो जायज था तेरा, कहां गए आप। जब सत्ता मिल जाती है ना जीव को, तो मैं तो कहूंगा वो सातिर भी बन जाता है। अगर परमात्मा तुमको सत्ता दे दे तो सातिर मत बनना, अगर परमात्मा तुम्हें सत्ता दे दे तो तुम संत बनना, और संत बन के मेरे प्रभु की उपासना करना। सत्ता पाकर सातिर नहीं, संत बनना चाहिए। क्या करना चाहिए, जोर से बोले, संत बनना चाहिए। अगर आप संत बनोगे तो अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों को तार दोगे। ये बहुओं पर भी डिपेंड है, जिनको घर की सत्ता मिल गई है तो संत बन जाओ। मुझे सासों के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है, आपकी सासू माँ आपको सत्ता देकर गई थी, जितनी जल्दी हो सके अपनी बहू को सत्ता दे दो। कई सास तो ऐसी, मर जाऊंगी पर जान न दूंगी, चल भगवान तेरी जब इच्छा है जल्दी पूरी करें। नहीं, गलत बात है। जब एक उम्र हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है उम्र के बाद जो उसका अधिकारी है उसको देकर तुम अपना प्रभु का भजन करो, और यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। समझ लोगे अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो पता नहीं फिर कैसी बात है। सत्ता पाकर सातिर नहीं, संत बनना है। देवराज इंद्र को थोड़ा सा वो सातिर दिमाग है, देवराज इंद्र सत्ता है ना उसके पास, जब भी उन्हें देखते हैं ना कोई भजन कर रहा है, तप कर रहा है, वो कोशिश करता है विघ्न डालेगा ही डालेगा। दूसरे ये हमारे संत भगवान देवऋषि नारद, अब ये इनको भी थोड़ा सा भक्ति की सत्ता मिल गई तो ये भी दिमाग सातिर तरीके से दौड़ा रहे, विचित्र तरीके से दौड़ा रहे, मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया, ये काम तो आज तक किसी ने नहीं किया, ये तो अभी तक कोई कर ही नहीं सका, जो मैंने कर दिया वो आज तक कभी नहीं हुआ। नारद बाबा भोलेनाथ ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीता, मैंने तो मैं दुनिया में सबसे मैं महान हो गया अब तो। अब बोलो ये बात आ गई मन में, राधे राधे कौन बोलेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब मन में ये बात है मैंने जीता काम क्रोध सबसे महान अब मैं, लेकिन नारद जी सोच रहे मैं अपने आप कहूंगा इस बात को सबसे महान मैं तो ठीक नहीं, कोई और कहे तो ठीक है। सबसे पहले कहां पहुंचे, जिन्होंने काम को जीता उन्हीं के पास में, शंकर भगवान के पास में पहुंचे, और जब शंकर भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान को अपना चरित्र सुनाया, मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अपने हृदय से लगाया, देखो ये सब प्रभु की कृपा से, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत 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 अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात कहूं, ये चरित्र जो तुम मुझे सुना रहे हो ये भगवान को जाके मत कहना, क्योंकि शंकर भगवान को झलक रहा है कहीं ना कहीं अभिमान है अंदर, काम को जीतने का अभिमान है और भगवान को अभिमान, और जब समझाने वाले भोलेनाथ हो और फिर भी समझ में ना आए तो समझना कुछ अमंगल होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई, ब्रह्मा जी ने कहा भाई देख जो तुमने मुझे सुनाई ना ये भगवान को मत सुनाई हो, फिर और लगा आप खुद पे तो जीता नहीं कामदेव, मैंने जीत लिया तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो सुनाऊं, हरी इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा प्रबल है। नारद जी नहीं माने और क्षीर सागर में पहुंच गए जहां पर मेरे प्रभु श्री नारायण भगवान रहते हैं।
हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेत। खड़े हो गए। देखिए ये भगवान करते स्वागत भक्तों का, संतों का, ब्राह्मणों का, कैसे करते। जैसे नारद जी आए ना, खुद खड़े हो गए और अब खड़े होकर स्वागत किया। ये अदब होना चाहिए हमें। बड़े जब आमे तो छोटों को खड़ा होना चाहिए, और कई छोटे तो यूं पल रहे हो, उठाई ना, गलत बात है। ये इंसल्ट है सामने वाले की, जो आपके बड़े आए हैं उनका अपमान है ये। जीवन भर याद रखो, तुम किसी का अपमान करोगे तो तुम्हारा अपमान जरूर होगा। इसलिए सबका सम्मान करो जिससे तुम्हारा सम्मान हो। तुम सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान देना सीखो। नारायण भगवान की दुनिया पूजा करती है, अब नारद जी आकर मंचा जबाकर गीत गाने लग जाए उनके सामने, क्यों जरूरत है खड़ा होने की। लेकिन नहीं, नारायण भगवान अपने चरित्र से उपदेश दे रहे हैं, अगर मैं संतों के लिए खड़ा होऊंगा तो पूरा समाज संतों के लिए खड़ा हो जाएगा। झट मेरे प्रभु खड़े हो गए और खड़े होकर नारद जी को अपने हृदय से लगाते हैं। बैठे आसन ऋषि समेता, उस आसन पर जहां खुद बैठते हैं वहां ऋषि के साथ, नारद जी के साथ बैठ। और विनम्र कितने बार बोले, बेहस चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि। बड़े दिनों में आए, बड़े दिनों, क्या बात है, भूल गए क्या आप हमको। नारद जी का, महाराज आपको भूल के कहाँ रहेंगे, बस आपकी पूरी जो सुना है। अब ये चाहते हैं कुछ सुना दूं। भगवान जी कह रहे दुनिया का हाल सुनाओ। बोले महाराज आप दुनिया को छोड़ा तो मेरा ही हाल है, मेरा ही हाल सुन लो। भगवान फिर भी टाल रहे, नहीं नहीं पहले दुनिया का ही हाल सुना दो। तो दुनिया का हाल बड़ा विचित्र है, क्या है, देखा ये अद्भुत संसार, जो डूबा सो नहीं पावा पार, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी, जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा, सबके गले में लटक रहा है। महाराज क्या सुनाऊं इनका, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब महाराज मैं अपना सुनाऊं। अब नहीं मानोगे तो सुनाओ, अपना भी सुनाओ। पिताजी ने मना किया, शंकर भगवान ने मना किया, फिर भी नहीं माने, और नारायण को कह सुनाया। नारद कहे सहित अभिमान, अभिमान के साथ कहा, रहित अभिमाना नहीं है, सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारे सकल भगवान, आपकी कृपा, लेकिन अभिमान के साथ आपकी कृपा है, क्या बात है। हरि बोल। भगवान ने सोच लिया जब इनको सिखाना ही है तो बोल ठीक है, आप तो आप हैं साहब, आपका नाम लेकर लोग ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, आपका भला वो कामदेव क्या बिगाड़ेगा। नारद जी ने कहा मैं चलूं, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन भगवान ने हृदय में भाव रख लिया कि नारद का कल्याण करना है, बिल्कुल नारद का कल्याण करना है। कैसे करना है, मेरे प्रभु ने माया को बुलाया, योग माया को बुलाया, योग माया का कि तुम कुछ अच्छा सा करो, जिस रास्ते से जा रहे हैं देव ऋषि नारद, उस रास्ते में एक सुंदर सा श्रीनगर नाम का एक नगर बसाओ, वहाँ के राजा जिनका नाम शीलनिधि होना चाहिए, उनकी एक सुंदर जवान बेटी होनी चाहिए, नाम विश्वमोहिनी, और सुनो नाम ही ना हो, वो विश्व को मोहने की क्षमता रखती हो, स्वयंवर होना चाहिए, और आज उसका लास्ट डे होना चाहिए, टुडेज लास्ट डे। जी साहब, योग माया को कहा गया, योग माया ने बहुत सुंदर प्लानिंग के साथ जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में ऐसा नगर बना दिया। नारद जी रोज जाते, आज तक कोई देखा नहीं, लेकिन आज नगर देखा, द्वारपालों से पूछा भाई कौन सा नगर है, महाराज श्रीनगर है, नया बनाए, पुरातन है महाराज, पुरातन है, आज तक नहीं देखा, तुम कह बहुत पुराना है महाराज, ये भीड़भाड़ नगर को सजाया क्यों जा रहा है, आज हमारे राजकुमारी जी का स्वयंवर है, स्वयंवर है राजकुमारी जी का, कौन है यहाँ के राजा, शीलनिधि है महाराज। अच्छा शीलनिधि है, जाके कहो नारद जी आए, और झट चले। नारद जी का नाम सुना, शीलनिधि, सागर जैसी शीलता जिसमें है, संतों का सम्मान करना तो जानता ही होगा। जैसे ही सुना नारद जी आए हैं, तुरंत खड़े हुए और बाहर आकर प्रणाम किया और लेकर गए, आसन पर बैठा ला, खुद चरणों में बैठ गए, चरण प्रक्षालन किया,
मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, आज आप पधारे महाराज, मेरा भाग्य धन्य धन्य हो गया। मेरी बेटी का स्वयंवर है महाराज, मेरी बेटी को देखकर बताओ ना घर कैसा मिलेगा, बर कैसा मिले। प्रत्येक नौजवान बेटी के माँ बाप को एक टेंशन होती है, घर कैसा मिलेगा, बर कैसा मिले, होती है कि नहीं। भगवान करे जितनी भी भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जितनी जवान बेटियां हैं, माँ बाप की टेंशन दूर हो, सबको एक अच्छा घर मिल जाए, सबको सुंदर बर मिल जाए, अच्छा कर्म करने वाला बर मिल जाए, भगवान की भक्ति करने वाला बर मिल जाए, ड्रिंक करने वाला ना मिले, ये मैं व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबका भला भगवान करे, यही चाहते हैं, विश्व शांति का एक ही लक्ष्य, सबका भला। जवान है बेटी, स्वयंवर है, टेंशन है, स्वयंवर का मतलब तो पता तो नहीं ना कौन राजा कैसा है, तो महाराज मेरी बेटी को देख के बताओ ना उससे घर भर कैसा मिले। लाओ बेटी को लाओ, किसको जीत के आ रहे हैं, कामदेव को। और जब इस सुंदर कन्या को देखा तो भूल गए कि मैं नारद हूं, अपने आप को ही भूल गए, भूल गए मैं भगवान का भक्त हूं, भूल गए मैं ज्ञानी हूं, सब कुछ भूल गए। वैसे एक बात बताओ मेरे भाई, बुरा मत मानना, और बुरा मानने वाली बात नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, अगर सुंदर स्त्री दिख जाए तो पुरुष चाहता है कि एक बार बात तो हो कम से कम। क्यों हंस रही हो, तुम कमाओगे का होते हैं? सुंदर पुरुष दिख जाए तो सुंदर स्त्रियां भी चाहती हैं कि उनसे बात हो, और ये न पुरुषों का दोष है न स्त्रियों का दोष है, ये प्राकृतिक आकर्षण है एक दूसरे के लिए। सुंदर पुरुष को देखकर सुंदर पुरुष कभी ये नहीं कहता सुंदर है, और मोहिन नार नार के रूपा, एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती, बस उसमें बुराई जरूर, साड़ी तो देखो कैसी पहन रखी है, तू दी अपनी साड़ी है पहले ही, भाई लोग कहे हाँ देख तो सही कितना छोटा, हाइट में तो छोटा है, सुंदर दिख, हाइट में तो छोटा, तेरी हाइट कौन सी टेंट है छी रही है भैया, ये स्वाभाविक है। स्त्री के रूप को देखकर पुरुष, पुरुष के रूप को देखकर स्त्रियां एक दूसरे के लिए आकर्षित होती हैं, लेकिन इन सब चीजों से वो बचते हैं जिनके ऊपर गोविंद की कृपा होती है। जी ही वेद हो ये नाथ हित हो, जय वेद हो नाथ हित हो, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही करना, मैं तो आपका दास हूं ना, आप मेरे स्वामी हैं, और स्वामी के सानिध्य में स्वामी के साथ रहने वाले जो सेवक हैं उनकी जिम्मेवारी स्वामी ही संभालते हैं, इसलिए आप ही को मेरी जिम्मेवारी संभालनी है, जिसमें मेरा हित हो आप वही करना, और मुझे कुछ नहीं पता। अब यहां नारद जी ने अपने जीवन की जिम्मेवारी छोड़ दी है भगवान के ऊपर, अब मेरे प्रभु को क्या करना चाहिए। यहां उन्होंने मांगा जीवित होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वो करना आप। दूसरी बात, आपन रूप देव प्रभु मोई, अपना रूप दे दो। अब भगवान से ये तो नहीं कहा मुझे विष्णु रूप दे दो, नहीं कहा ना, उन्होंने कहा अपना रूप दे दो। अपना रूप हर एक जगह वही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जाकी रही बोली प्रभु मूरत देखी तिन, हरि हरि भगतन देखे दोनों भाई, हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरि भक्त प्रभु को इस रूप में देखते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं विराट समधीसा, जोगी ने परम तत्वमय दीसा, अभूत तो चार देखने दर्शन करने वाले का भाव है कि हम किस रूप में भगवान को चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपन रूप, और दूसरी जिम्मेवारी डाली जीवित होए नाथ हित मोरा, मेरे प्रभु कहते हैं एविद हित तुम्हार मेठ है।
जैसे रोगी व्यक्ति डॉक्टर से कुपथ खाने को मांगता है, मुझे कुछ भी दे दो उल्टा सीधा, लेकिन वैद्य जानते हैं कि अगर मैंने इसको ये दे दिया तो इसको नुकसान करेगा, तो वैद्य वो नहीं देता। इसका मतलब सीधा सा है, जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मैं तुमको देने वाला, गलत तो नहीं है? मेरे प्रभु ने तो स्पष्ट कर दिया ना, जो तुम मांग रहे हो वो मैं देने वाला, लेकिन हित तुम्हारे में ठहरूं, मैं तुम्हारा हित करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बनाकर क्या भेज दिया, आप सब जानते हैं, बंदर बनाकर भेज दिया। अब लेकिन देखिए, ये मेरे प्रभु का कितना सुंदर स्वभाव है मेरे भाई बहन। दुनिया वालों को वो बंदर के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। नारद जान सवई सिर नावा, सबको लगा कि नारद जी पुनः वापस आए, सबको लगा कि नारद जी हैं, और नारद समझ के सबने प्रणाम किया। अब ये नारद वापस जब गए तो वहां पर देवी जी, वो जिनका स्वयंवर हो रहा है, वो माला लेकर जा रही हैं, किसको पहनाऊं किसको पहनाऊं। और इस राजकुमारी को, इस विश्व मोहनी को नारद किस रूप में दर्शन दिया, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर दे, भयंकर है शरीर। कई बंदर ऐसे भी तो होते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं, होते हैं कि नहीं? खिलाएं कभी बंदर आपने? नहीं नहीं, मैंने खिलाए अपने पास, मेरे पास में रहे, मतलब मेरे घर नहीं रहे, वैसे नहीं रहे। कई बार ऐसे होते बंदरों से अटैचमेंट हो जाती, तो वो आते थे तो उनके साथ में रहा हूँ थोड़ा बहुत, बहुत कम समय रहा हूँ लेकर रहा हूँ। कई बंदर ऐसे होते जो सुंदर भी लगते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने कहा कहीं ऐसा ना हो जो सुंदर भी लग जाए, सुंदर भी नहीं लगवाना, भयंकर दे ही, उसका शरीर बड़ा भयंकर बना दिया। तो देखत हृदय क्रोध बाते ही, राजकुमारी को बड़ा क्रोध आया, कहते मैंने कामदेव को जीता और स्त्री को पाने के लिए बंदर बन गया। अब वो पुण्य पुण्य मुनि उकुसई अकुलाई, जल्दी पहना दे, जल्दी पहना दे, जल्दी मेरे गले में डाल दे, फिर टेंशन खत्म हो। अच्छा, वो बहुत विश्वास से लबालब है, क्यों है? उनको पता है मैं विष्णु हूँ, ये मुझे पहनाएगी पहनाएगी, लेकिन फिर भी टेंशन है ना, आर्टिफिशियल विष्णु हूँ, जल्दी पहना। लेकिन मेरे प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी समय मेरे प्रभु धरनर तनु तहत गयो कृपाला, कुमर हरस मेली जय, स्वयं भगवान नर्तन धारण करके गए और उन राजकुमारी ने उन्हीं को माला पहना दी और वो लेकर चले आए, ले आए। और जब ले आए तो बाद में पता चला कि ले गए, और जब बाद में पता चला तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जब वो जा रहे थे ना, दयो श्राप के मरियो जाई जगत मोर उपास कराई। नारद जी कह रहे हैं नारायण के लिए, या तो मैं श्राप देकर नारायण को ही, उनके अस्तित्व को आज क्षति पहुंचाऊंगा, और या फिर उनके दरबार में जाकर मैं अपने प्राणों की आहुति लगा दूंगा। दयो श्राप के मरियो जाई, या तो उनके यहां में जाकर खुद मर जाऊंगा, जगत में मेरे जगत दुनिया में मेरा उपास कराया उन्होंने। अब क्रोध करते करते जा रहे हैं, मेरे प्रभु सोच रहे हैं कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, इनका ज्यादा क्रोध आ जाए, पता नहीं क्या क्या करे। तो बीच में ही मिले, अब बीच में ऐसे नहीं मिले, मेरे प्रभु का अपना अलग ही अंदाज है। वो भक्तों के करीब जाते हैं तो कुछ अजीब अलग ही भाव है उनका। कैसे? बीच ही पंथ मिले तनु झा, संग रमासु राजकुमारी, संग रमासु राजकुमारी। राइट हैंड साइड में लक्ष्मी जी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में विश्वमोहिनी, और लेफ्ट हैंड साइड में लक्ष्मी, और दोनों के बीच में खुद खड़े हैं। और अच्छा, एक सामने वाले को क्रोध आ रहा हो और तुम मुस्कुरा के बात करो तो उसका घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, ये कम थोड़ी है। जब पहुंचे और नारद जी वहां से जा रहे ना, तो मुस्कुरा के कहते हैं, बोले बचन, बोले बचन
मधुर सुर साई बोले बचन मधुर सुर साई मधुर बोले मीठा बोले मुस्कुराकर बोले और बोले तो बोले क्या मुनि कहाँ चले पिकल की नाई इतने पिकल होके कहाँ जा रहे हो और जैसे ही आप पिकल होके कहाँ जा रहे हो मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या मतलब मुझसे क्या मतलब है आपका मैं कहीं भी जाऊं मैं कहीं नहीं जा रहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं कहीं तुम मेरे से क्यों पूछ रहे मैं क्या क्या मतलब है आपको क्यों पूछ रहे मैं कहीं भी जाऊं जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं यहीं रहूंगा यहीं मैं नहीं जा रहा यहीं तक आया था भगवान मुस्कुरा दिए क्या बात हरि बोल राधे राधे नारद जी कहते हैं बड़े विचित्र हो तुम पर संपदा सकहु नहीं देख पर संपदा सकहु नहीं देख तुमरे ईर्षा कपट विशेषी तुमरे ईर्षा कपट विशेषी मथत सिंधु रुदई बोरा सुरन प्रेर विष्णु पान करायो परम स्वतंत्र सिर पै कोई भावहि मनहि करब तुम सोई तुम स्वतंत्र हो तुम्हारे सर पे कोई नहीं है पराई संपत्ति को देखकर तुम प्रसन्न नहीं होते पराई संपदा को पराई सुख को देखकर तुम प्रसन्न नहीं होते इस बात का प्रमाण है तुमने समुद्र मंथन के समय विष पान कराया शिव को तुमने क्यों नहीं पान किया बेचारे शिव को भोले भाले को पिला दिया तुम पराई संपदा तुम्हारे सर पे कोई नहीं है ना तुम चाहे अच्छे को भला कर दो भले को बुरा कर दो ढहक ढहक पर चेव सब काऊ जिसके चाहते हो उसी की परीक्षा ले लेते हो जिसको चाहते हो उसी को तकलीफ में डाल देते हो क्योंकि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं लेकिन विष्णु याद रखना आज तुमने मुझे परचा है आज मैं छोड़ूंगा नहीं ये मैं सोचना मैं और जैसा हूं आज मैं अब तुमने जो मेरे साथ कृत्य किया उसका बदला तुम्हें देना ही होगा आज मैं तुम्हें इतने श्राप दूंगा इतने श्राप दूंगा कि श्रापों का अंबार लगा दूंगा यार तुमने मानव शरीर क्यों धारण किया मुझे तो नहीं बताया था क्या मानव बनोगे मानव शरीर इसीलिए तो बनाया क्योंकि तुम मेरे को छलना चाहते थे मुझे दुख पहुंचाना चाहते थे मुझे हर्ट करना चाहते थे बहुत प्रिय लगा ये मानव शरीर जिस मानव शरीर को धारण करके तुम ये विश्व मोहिनी को ले आए बंचे उमोय जवन धर देहा सोईतन धरौ श्राप ममे तुमने मुझे मानव शरीर धारण करके चलाई ना मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी एक दिन ये मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर जाना होगा ये नारद का पहला श्राप है और अभी सोचना नहीं बहुत श्राप दूंगा आज कपि आकृति तुम कीन हमारी करी आई कीस सहाय तुम्हारी तुमने मुझे बंदर बना दिया बंदर मुझे क्या सोच के बंदर बनाया बंदर कामी होता है लोलुप होता है इसलिए लोग उसे हीन दृष्टि से लोग उसे देखते इसलिए तुमने मुझे बंदर बना दिया लेकिन विष्णु एक बात याद रखना जब विपत्तियों के बादल तेरे सर पे घिर के आएंगे अगर कोई काम आएंगे तो ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे ये बंदर तुम्हारे काम आएंगे मेरा दूसरा श्राप तीसरा तुम नहीं जानते ना स्त्री विरह किसको कहते हैं और तुम जानोगे कैसे दो दो को लेके खड़े हो राइट एंड लेफ्ट दोनों ही फुल है तुम्हें ही तकलीफ क्यों होगी अरे मुझसे पूछो मुझे विश्व मोहिनी नहीं मिली मुझे कितना दर्द हो रहा है मेरा मन तड़प रहा है हाय विश्व मोहिनी हाय विश्व मोहिनी और तुम दो दो को लेके खड़े हो अरे एक तुम्हारे पास होती एक मेरे पास होती तकलीफ क्या दी तुमको लेकिन तुम इसको भी अपने पास रख लिया तो मेरा श्राप है
कब मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। जब तुम मानव बनकर आओगे तो तुम्हारी स्त्री का हरण होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्त्री का वियोग किसको कहते हैं। ये मेरा श्राप है। अब भगवान जी बोले एक जन्म के लिए तीन श्राप काफी हैं, इसलिए जल्दी से भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया। जाओ देवियों, तुम्हारे चक्कर में तीन तो लग गए। भगवान ने हटाया, और जैसे हटाया जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तान रमा नराज कुमारी, तब मुनि अति समीत हरि चरणा गहे पाए प्रण तारत हरना, मृषा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं ऐसे दुर्वचन आपसे कैसे कह सकता हूं, मैंने आपको कितना उल्टा सीधा कहा महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध मेरा ये पाप नहीं मिटेगा, मेरे जो वचन है ना महाराज झूठे हो जाएं, कोई भी श्राप आपको न लगे, मेरे वचन मिथ्या हो जाए महाराज, हाथ जोड़ के ऋषि को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, दुख होने लगा। तब मेरे प्रभु ने उनका दुख कम किया, क्या कहकर, ये मेरी इच्छा है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपसे इतने कटु शब्द कहे, मेरे पाप कैसे कटेंगे, जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर भगवान के सहस्त्र नामों का जाप करो। किनका? जिनकी बात तुमने नहीं मानी थी उन्हीं का। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, कभी भी अपने बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, वरना कहीं ना कहीं कोई अनुचित कार्य हो जाएगा।